Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain the question to you now. And the question says that two body whose masses are m1 is equal to 50 kg and m2 is equal to 150 kg are tied by a light string and are placed on a frictionless horizontal surface. When m1 is pulled by force F, an acceleration of 5 meter per second square is produced in both the bodies. Calculate the value of F and what is the tension in the string. The question mein hume given hai that hamare paas दो ब्लॉक्स हैं या दो बॉडीज हैं M1 एंड M2 सच दैट M1 को जब हम F फोर्स से पुल करते हैं तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आता है इट इज गिवन टू अस एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें बताना है कि F की वैल्यू क्या होगी एंड ऑल्सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हमें जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम. हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट M1 इज इक्वल टू 50 kg एंड M2 इज इक्वल टू 150 kg. ऑल्सो एक्सेलरेशन A हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें F और T की वैल्यू निकालनी है. लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी T. लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग हम टेंशन को मान लेते हैं दिस इज कैपिटल T. तो आप देख सकते हैं दैट क्लियरली यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर दिस सिस्टम यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम हमारे पास क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A. तो M1 और M2 की वैल्यू हमें पता है. M1 हमारे पास है 50, M2 इज 150 एंड एक्सेलरेशन इज 5. तो ये हो जाएगा 200 इंटू 5. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F. एंड नाउ फॉर M2 हम अगर खाली M2 के लिए देखेंगे तो आप देख सकते हैं ओनली टी फोर्स या ओनली टेंशन इज एक्टिंग कॉजिंग एक्सेलरेशन causing its acceleration as A. तो this implies tension कितना आ जाएगा यह आ जाएगा M2 into A. तो हमारे पास M2 की value कितनी given है M2 is 150 acceleration is 5. तो tension हमारे पास आ जाएगी 750 newton. तो हम कह सकते हैं that Hence, F is equal to 1000 newton and tension in string is 750 newton. तो क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं. हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट M1 और M2 दो मासेज है और अगर M1 के ऊपर F फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमने यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ फॉर दिस सिस्टम. तो कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. वहां से हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी. एंड M2 के लिए हमने क्या देखा दैट M2 के ऊपर सिर्फ T फोर्स लग रहा है तो इस T फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन आता है. तो यूजिंग सेकंड लॉ अगेन टेंशन इज इक्वल टू M2 इनटू A एंड टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 750 न्यूटन. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.